हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिमला प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले शहर के हजारों भवन मालिकों को अपने से अधिक पैसे चुकाने होंगे। नगर निगम बुधवार से टैक्स के साथ साथ 5% पेनल्टी और 1% ब्याज भी वसूलने जा रहा है। शिमला शहर और करीब 2000 ऐसे भवन मालिक हैं जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर हमारा टैक्स जमा नहीं करवाया। 31 अक्टूबर यानी मंगलवार टैक्स जमा करने का आखिरी दिन था, लेकिन यह भवन मालिक टैक्स जमा करवाने नहीं पहुंचे। निगम की टैक्स शाखा के अनुसार इन 2000 भवन मालिकों से करीब 5 करोड़ रुपए टैक्स वसूला जाना है। शहरवासियों को 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तलक टैक्स जमा करवाने के लिए कहा जाता है। आखिरी तारीख तलक जैसा भवन मालिक टैक्स नहीं भरते उसे 1 नवंबर से 5% पेनल्टी लगाई जाती है। इसके अलावा 1% ब्याज भी देना होता है। ब्याज प्रति माह के हिसाब से बढ़ता जाता है। यदि कोई लोग दिसंबर और टैक्स जमा करवाता है तो उसे 5% पेनल्टी के अलावा नवंबर दिसंबर 2 माह का 1% ब्याज भी चुकाना पड़ता है। शिमला शहर और करीब 26,000 संपत्तियां हैं जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। सैकड़ों से वसूला जाएगा ब्याज और पेनल्टी। 2000 डिफाल्टरों और सैकड़ों भवन मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों से टैक्स जमा नहीं करवाया। इन और साल 2014-15 से लेकर टैक्स न भरने वालों के नाम भी शामिल हैं। इन्हें हर साल 5% पेनल्टी तो लग ही रही है, साथ और प्रतिमाह 1% ब्याज भी खाते और जोड़ रहा है। इन भवन मालिकों को अब टैक्स के साथ पेनल्टी और ब्याज के रूप और 31% अधिक चुकाना होगा। यानी 1 लाख टैक्स देने वाले भवन मालिक को 1,35,000 रुपए देने होंगे। टैक्स ना देने और सरकारी मुकुछे भी पीछे नहीं। टैक्स ना देने वालों और सरकारी मुकुछे सबसे आगे हैं। एचआरटीसी और सीपीडब्ल्यूडी को ही अकेले करीब 4 करोड़ रुपए टैक्स देना है। दोनों मुकुछे टैक्स सेटलर और अट को लेकर निगम से बात भी कर रहे हैं। वहीं विधायक बलवीर वर्मा से भी 42 लाख वसूला जाना है। टैक्स जमा करवाने की तारीख खत्म होने से निगम अब इन्हें नोटिस जारी करेगा। टैक्स ना देने पर अटैच हो सकती है संपत्ति। 3 बार नोटिस जारी होने के बाद भी भवन मालिक टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो निगम उनकी संपत्ति अटैच कर सकता है। सेक्शन 124 के तहत निगम के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसके तहत संपत्ति अटैच की जा सकती है। हालांकि आज तक निगम ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कहते हैं आयुक्त, जिन लोगों ने तय समय सीमा के भीतर टैक्स नहीं दिया है उनसे अब नियमानुसार टैक्स वसूली की जाएगी। निगम नोटिस जारी कर भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है। जीसी नेगी, नगर निगम आयुक्त। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।